स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं उदीपक और आप देख रहे हैं द इंडियन टेम्पेस्ट गेमर। अभी हम जा रहे हैं फेलवर टाउन में, पर उससे पहले रूट 130 में एक पोकेमोन पकड़ लिया जाए। ये नेस्ट बॉल बहुत सही रही है, अभी तक उसका कैचिंग रेट बहुत सही रहा है। तो ड्रिल पोकेमोन पकड़ लिया है हमने, खड्डे खोदने के काम आता है, तो इससे ही कुछ सिमिलर सा नाम रख दिया जाएगा इसका। चलो भाई अब थोड़ा आगे निकला जाए, थोड़ा बचते बचाते हुए। भाई ये नहीं मिल सकता था हमको? नहीं भाई, तुमको शायद लग रहा हो ये स्नोफॉल हो रही है, बट एक्चुअल में यहाँ पास में वॉल्केनो है, तो ये उस वॉल्केनो से निकल रहा है। और अगर हम इस बंदे को वो ऐश लग करके देंगे तो उसके बदले हमें फ्रूट्स बना के देगा। ये वाली फ्लूट म्यूजिक बजाने के काम नहीं आती है, फ्लूट के एक्चुअल यूजेस मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो पॉज करके देख लेना। आगे बढ़ने से पहले कुछ चेंजेस कर लूं टीम में। इससे फाइट करके देखें। ओके सेप्टाइल, तो राधेमा को निकाल लेते हैं। ग्रास के अगेंस्ट तो आइस टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव होते ना। क्यूरी कटर कुछ खास डैमेज तो नहीं किया। परसूट, ओहो भाई सारी हेल्थ खा गया ये तो। चेंज करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। गायतोंडे ही संभाल सकता है। कैसे, मैंने तो चेंज किया था पोकेमोन, क्या हो गया? भाई बाद में मैंने चेक किया तो पता चला कि अगर तुम पोकेमोन स्विच करो और सामने वाला परस्यूट यूज़ करता है तो एक तो वो 100% हिट करेगा, वो भी डबल डैमेज के साथ, तो कोई चांस ही नहीं था बचने का। ऐसे फंसा के मारने वाले पोकेमोन बहुत बेकार होते हैं। एक वो ड्रैगनेयर था, फिर वो रेजिस्टील, अब ये। आई लाइक टू बैटल बट दैट डजंट मीन आई एम गुड एट इट। इसकी तो सॉरी राधेमा, अब पीसी में जितना रिलैक्स करना है उतना रिलैक्स करो। भाई देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। अरे पेंडर साहब, स्ट्रगल। मुझे पता है अगर मैंने इसे पकड़ भी लिया ना, मैं इसको कभी यूज नहीं करने वाला हूँ। एक पेंटर पोकेमोन के लिए एक परफेक्ट नेम। अरे एक और रिपीट बॉल मिल गई, दो गई ना हमारे पास शायद। ये टीम मैग्मा वालों की क्या मीटिंग चल रही है यहाँ पर? हैं? हैं? मैंने क्या किया? वैसे खुलेआम मीटिंग करोगे तो कोई भी सुन लेगा। और गुंडे आ गए। भाई टीम मैग्मा ने बचा लिया आज तो। इतना तो पता चल गया कि माउंट चिमनी में कुछ कर रहे हैं, तो अभी माउंट चिमनी जाना है मतलब नेक्स्ट। अरे मैं तो भूल ही गया था, माउंट मून का एनकाउंटर हमारा। इसकी पोकेडेक्स एंट्री कैसी सी है, मुंह में पानी भर के थूक देता है दूसरों पे। एक बड़ा मस्त नाम है मेरे पास इसके लिए। भाई अगर तुम में से कोई कानपुर से तो सॉरी। अरे भाई मस्त। राखी सावंत,
अरे रस्टबरो सिटी के पास आके वापस चलेंगे, वहाँ रूट 115 में पहले किसी को कैच कर लें। अरे इससे निपटना पड़ेगा पहले। ये एक ही बारी में कैसे मार दे रहे हैं आज? अरे नहीं, देख कुंदन मरने का नहीं, मेरा पूछे मरने का नहीं। ए कुंदन, अरे मर गया रे कुंदन, अरे अरे मेरा कुंदन मर गया रे बुल्ला। मेरा तो लेवल भी ज्यादा था इससे यार। दो पोकेमोन मर गए एक एपिसोड में। मैं बेकार ट्रेनर हूँ, मैं बेकार ट्रेनर हूँ, मेरे दो दो पोकेमोन मर गए। हाँ मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डालता हूँ, मैं बेकार ही ठीक हूँ। चलो अब दोबारा तो आएंगे नहीं यहाँ, पोकेमोन ही पकड़ लो। समुंदर में इतने कीड़े क्यों हैं? शक्तिमान भी पानी से पकड़ा था हमने लास्ट एपिसोड में। फिर से मिस्टिक वाटर। मैंने एम्यूलेटर की सेटिंग को चेंज करके देखी तो वीडियो क्वालिटी मस्त हो गई। पहले ही करके देख लेता, पर तुम लोग तो जानते ही हो। मैं बेकार ट्रेनर हूँ। अरे भागा यहाँ क्या कर रहा है? हाँ पेटल पर कुर्स में बचाया था तुझे, तेरे फिर कुछ चोरी हो गया क्या? अच्छा थैंक यू कह रहा है हमको। ओके ओके अच्छा कह रहा है कि इसकी कंपनी ने नई पोकीबॉल बनाई है तो वो हमको देने आया है। सही है भाई, ला कौन सी पोकीबॉल है? रिपीट बॉल। मैं तेरे बाप को मार देगा, चल। हमारे पास दो रिपीट बॉल पहले से ही पड़ी है। हाँ लो तीन हो गई। अब हमने इन लोगों से फाइट नहीं करी थी क्या? राखी सावंत को मार के अच्छा तो नहीं लगा, पर हेलमेट लेवल अप हो गया। अरे हेलमेट इवॉल्व हो रहा है। अरे एवोल्यूशन देखने में बड़ा मजा आता है, कुछ भी हो जाता है। नाटू बन गया। ये दोनों बग टाइप फ्लाइंग टाइप में कैसे इवॉल्व हो गए? पर अच्छी बात यह है कि हम नाटू को दोबारा इवॉल्व करा सकते हैं शायद लेवल 24 में। अरे आगे जाने के लिए रॉक स्मैश चाहिए। बुल्ला तो मर गया बेचारा, जेसीबी को सिखाना पड़ेगा। मुझे जरा ध्यान से जाना पड़ेगा, मैंने कुछ ट्रेनर छोड़ दिए थे लास्ट टाइम। वो बच गया। चलो अब इसको तो हरा दिया आराम से। तो दोस्तों हमें इस केबल कार से जाना है माउंट चिमनी के ऊपर। ये क्या चल रहा है? ओ भाई ये टीम मैग और टीम मैग्मा की लड़ाई हो रही है हर जगह। ये तो टीम मैग्मा वाले हैं।
भाई कानपुर भी लेवल 19 का हो गया है, अब वो ज़्यादा दूर तक पान धूप भाई। यार बहुत डैमेज कर दिया इन लोगों ने, आगे बढ़ने से पहले हील कर लूँ थोड़ा। अरे यार एंटीडोट तो है नहीं मेरे पास, एक काम करता हूँ मैं पेचे वेरी दे देता हूँ नूमन को होल्ड करने के लिए। मैरोवैक के लिए कानपुर को निकाल लेते हैं, गुड। ओह भाई 5 HP रह गई बस, विनोद को निकालना पड़ेगा, राइट डिसीजन। सनी डे हमारे काम का नहीं है भाई, शाम ने तो आग लगा रखी है गेम में। ये टीम मैग्मा का लीडर अकेले अकेले क्या कर रहा है यहाँ पर, पूछता हूँ इससे क्या कर रहा है। ये कह रहा है इस मीटियोराइट में जो पावर है उस पावर को इस मशीन से बढ़ाकर माउंट चिमनी की एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। माउंट चिमनी मतलब ये जो वॉल्केनो है, फिर वो इस क्रेटर में पावर बढ़ जाएगी और हु आर यू, ये हमसे बात नहीं कर रहा था। ओके तो टीम मैग्मा वाले पूरी अर्थ पे लैंड बना देना चाह रहे हैं, अबे तो बिना पानी के रहोगे कैसे। पानी से बच के रहो, जाओ धन्यवाद, जाओ 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 पानी। चलो ब्लिसी को तो हरा दिया, फिर से सेप्टाइल, सब वीक है मेरी टीम में उसके अगेंस्ट। एक ये हेलमेट है बस, उसका लेवल इतना कम है, कोई ग्रास टाइप अटैक ना कर दे ये बस। बच गए क्रॉस के लिए, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है शायद। व्हाट व्हाट द श्याम को मार दिया यार, हमारा स्टार्टर पोकेमोन मर गया यार। और किसी को भी मार देता ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर श्याम उसके साथ तो जर्नी स्टार्ट की थी हमने। टीम मैग्मा वाले बचेंगे नहीं अब मुझसे, तो देखो भाग गया शाम का कातिल। अरे टीम मैग्मा का लीडर भाई, तुम लोग भी लड़ते हो ना टीम मैग्मा से, तो मुझे भी लड़ना है। फॉर्म का है तुम्हारा, फॉर्म दो, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ अब टीम मैग्मा। शाम को मार दिया यार हमारे, बताओ यार, ये भी बिना फॉर्म दिए चला गया यार। शाम बेचारा मर गया, अभी तक तुम लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करी, जल्दी लाइक करो यार वीडियो को। ये लावा कुकी बस यही मिलती है, एक दो ले लेते हैं। एक और नया एरिया दोस्तों, JCB तो है हमारे पास। एक मिनट, ये टीम मैग्मा का गुंडा है ना, जैप्टॉस है इसके पास, ये बदला लेना हम पे ही भारी ना बढ़ जाए।
यार और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा सही से। जेसीबी को निकाल सकते हैं पर उस पर कोई फिजिकल अटैक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। जेसीबी का लेवल इतना कम है यार। विनोद चल तो सकता है बट जैबदोस कोई फ्लैंक टाइप अटैक ना कर दे। चलो सही है, ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ। बस ऐसे ही थंडर शॉक करता रहे। बच गए। वैसे मार तो सकते हैं इसको। अरे विनोद को पैरालाइज कर दिया यार। चलो फाइनली जिंदा लौटा इस बैटल से। तो ये ब्लैक ग्लासेस मैं हेलमेट को दे देता हूँ, काम आएगा। टेफ्लोजन और मरिल थोड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। चलो बहुत हो गया, हम नया पोकेमॉन पकड़ो और निकलो यहाँ से। एक बढ़िया सा नाम भी मिल गया था मुझे कमेंट सेक्शन में इसके लिए। भाई थैंक यू फॉर द नेम। तो देख लूं कुछ रह तो नहीं गया। चलो भाई गिरते पड़ते जैसे तैसे लार्वा स्टॉर्म तक तो पहुंच ही गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि श्याम कितना महान पोकेमॉन था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।